Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. So UKG class, in our previous class we have done our page number 12, the use of is it. Okay, so now in this class today we will discuss this worksheet. Now look at the picture and complete the sentences. Look at the picture and complete the sentence. Now look at this. देर इज़ अ मैन. मैन क्या कर रहा है? डिग कर रहा है. और क्या डिग कर रहा है? वो पिट को डिग कर रहा है. सो द मैन नेम इज़ डॉन. ओके, तो डॉन डिग, डिग होता खोदना. डिग द पिट, किसको डिग कर रहा है? पिट को डिग कर रहा है. सॉरी, यस, डिग द पिट यानी गड्ढा खोद रहा है ना मिट्टी में. सो डॉन डॉन डिग द पिट. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पिग. What is this? This is a bin. और वो क्या हो गया? Wet हो गया है. Pig wet हो गया ना. So a wet, what is this? Pig. A wet pig sat in a bin. कहाँ पे बैठा हुआ है वो? Sat होता है बैठना. कहाँ पे बैठा हुआ है? Bin के अंदर बैठा हुआ है ना. In the bin. In a bin. Now look at this picture. There is a pot. और pot में क्या है? Fish है, है ना. So a fish, fish, fish is in a hot pot. कहाँ पे है वो? Hot pot के अंदर है fish. Next one, look at this. This is pup and this is cub. और ये cat भी हो सकती है. Picture में मुझे तो cub दिख रहा है but cat भी हो सकती है. और दोनों क्या कर रहे हैं? फन कर रहे हैं, है ना. सो इनको हम पेट भी बोल सकते हैं या फिर आपको राइट करना है. देखो ये वाला फन कर रहा है ना, ये तो अच्छे से स्टैंड ही है. सो आपको क्या राइट करना है? अ कप. लर्न का भी होता कप. अ कप हैड फन. ओके, आप ये भी राइट कर सकते हो अ पेट हैड फन. अगर ये कैट दिख रही है ना तो हम यहाँ पे पेट राइट करेंगे. अ पेट हैड फन. आपको अगर ये कैट लगती है तो आप राइट करोगे पेट. और आपको ये पिक्चर में कब राइट कब दिखता है तो आपको राइट करना है कब. ओके, सो स्टूडेंट नाउ लेट्स रीड द सेंटेंसेस. डोन डिग द पिट. नेक्स्ट वन, अ वेट पिग सैट इन अ बिन. नेक्स्ट वन, अ फिश इज इन अ हॉट पॉट. नेक्स्ट वन, अ कब हैड फन, या फिर आप बोलोगे अ पेट हैड फन. ओके, अब ए जो लेटर है उसका यूज़ कहाँ करते हैं? जब थिंग वन होती है. बट यहाँ पे तो टू है ना, तो यहाँ इसीलिए कन्फ्यूजन है कि ये अ पेट एक ही कर रहा है ना प्ले, इसलिए अ पेट एक प्ले कर रहा है इसलिए अ पेट लिख सकते हैं. वन कब है तो कब को एक ही है ना. सो यहाँ पे कैट भी हो सकती है, कब भी हो सकता है ना. सो जो आपको ये पिक्चर में जो आपको दिखता है, अगर कब दिखता है तो कब राइट करोगे. कैट, अगर आपको ये कैट लगती है तो कैट राइट करोगे. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वॉच इट केयरफुली. आफ्टर दैट यू हैव टू कम्प्लीट दिस पेज, पेज नंबर 13 इन योर बुक 3 रिपल्स. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.